नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का इस छोटी सी वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है 9:30 और मैं सुबह वीडियो शूट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, दो दिन हो गया मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया कुछ प्रॉब्लम के कारण। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं चना मसाला। हमारी गांव के स्टाइल में, हमारे देसी स्टाइल में हम कैसे बनाते हैं आपको आज देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी हम शुरू करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, ये बड़ा वाला चना है, हमने पहले से इसको उबाल के रखे हैं और ये दो आलू लिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मम्मी ये मसाला को रेडी कर रही है, चना मसाला होगा आज। ये प्याज को काट रही है पहले। तो फ्रेंड्स हमने मसाला के लिए हमने प्याज लिए हैं और ये लाल मिर्च, अदरक, लहसुन और ये थोड़ा जीरा लिए हैं। अभी हम इसको पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स मसाला तो हमने पीस लिए हैं और अभी हम चने मसालों को बनाएंगे और चना मसाला होने के बाद उसको खाएंगे भी और खा के आपको बताएंगे वो टेस्ट कैसा बना है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल अभी हम बनाएंगे, बनाने का पूरा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों अभी हम कढ़ाई में थोड़ा तेल लेंगे। देखिए दोस्तों गर्म हो गया है, हम अभी कटा हुआ प्याज को डालेंगे। ये एक ही कटा हुआ प्याज है, इसको हम अच्छे तरह से तलेंगे और प्याज थोड़ा ब्राउनी कलर हो जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। दोस्तों देखिए कलर चेंज हो गया है प्याज का, अभी हम मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद अभी हम मसालों को यहाँ पे डालेंगे। ये मसाला बन गया है दोस्तों, अभी हम इसको अच्छे तरह से मिलाएंगे और अभी थोड़ा पानी दे देंगे, यहाँ पे मसाला पकेगा अच्छी तरह से। दोस्तों मसाला थोड़ा पक जाएगा उसके बाद हम मीट मसाला को यहाँ पे डालेंगे, ये खाने में टेस्टी होता है। मीट मसाला डल गया है दोस्तों, अभी हम इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। दोस्तों मसाला थोड़ा पक जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। दोस्तों मसाला को बीच बीच में ऐसे चलाना चाहिए, ये तो मसाला लग जाएगा। ये देखिए दोस्तों थोड़ा मसाला पक गया है, अभी हम एक कटा हुआ टमाटर को यहाँ पे डालेंगे। ये टमाटर डालने से इसका टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। मसाला को अच्छी तरह से पकाएंगे उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। दोस्तों देखिए हमारा मसाला पक चुका है, हम बड़ा चने को यहाँ पे अभी डालेंगे। ये बड़ा चना डल गया है दोस्तों, अभी हम इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। दोस्तों चने को तो हमने डाल लिए हैं, अभी कुछ देर के लिए इसको पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। दोस्तों देखिए दो उबले हुए आलू को हमने ऐसे घोल बना लिया है पानी डाल के, इसको हम चने में डालेंगे। अभी ये उबला हुआ आलू का घोल हमारा चने में डल गया है, अभी हम इसको अच्छे तरह से मिला देंगे और कुछ देर के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी हम दोस्तों स्वाद अनुसार नमक को डाल देंगे। अभी ये स्वाद अनुसार नमक डल गया है, अभी हम उसको मिला देंगे और कुछ देर के लिए पकने के लिए इसको छोड़ेंगे। दोस्तों देखिए ये कुछ उबल चुका है थोड़ा, अभी हम गरम मसालों को यहाँ पे डालेंगे।
ये गरम मसाला डल गया है दोस्तों, अभी हम इसको मिला देंगे। दोस्तों अभी हम कुछ देर के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। दोस्तों देखिए हमारा चना मसाला बिल्कुल बनके तैयार है, अभी हम इसको गैस से उतार लेंगे। देखिए दोस्तों हमारा चना मसाला कैसे दिख रहा है, हमारा चना मसाला खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स चना मसाला हमारा रेडी हो गया है, हमारा देसी स्टाइल में हमने बनाया है आज का रेसिपी चना मसाला। ठीक है दोस्तों अभी हम खाएंगे और कैसा बना है टेस्ट करके आपको बताएंगे, आप बने रहे वीडियो में अंत तक। तो फ्रेंड्स हमारा खाना रेडी हो गया है, ये हमारा चना मसाला और उसके साथ हमने लिए हैं दो पूरी, एक इडली, दो बड़ा और दो तीन हर चबड़े। ठीक है दोस्तों लेट्स स्टार्ट। पहले मैं पूरी खाता हूँ। पूरी को तोड़ लिया मैंने, अब चना मसाले के साथ खाएंगे कैसा लगता है देखते हैं। बहुत बढ़िया बना है भाई चना मसाला। बहुत बढ़िया टेस्ट है चना मसाला। ये दो बच गए और चना मसाला खत्म हो गया। बहुत बढ़िया टेस्ट था चना मसाला का फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।